Hello everyone, welcome to EduTap. Today we have with us Shri Sagar Dhatkar, jinka ek bahut hi long struggle raha par bahut beautiful way mein, both presently as an ABAD grade A officer and as the RBI grade B officer, wo complete hua. Welcome Mr. Sagar, many congratulations on your fantastic journey. So aapka kafi लॉन्ग जर्नी रही है इस फैंटास्टिक रैंक जो कि ऑल इंडिया रैंक 17th फॉर द आरबीआई एंड एआईआर 9 फॉर नबार्ड ग्रेड ए. सो प्लीज टेल अस अ लिटिल बिट अबाउट हाउ लॉन्ग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग एंड व्हाट योर प्रोसेस हैज बीन टू गेटिंग टू आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर टुडे. आपकी क्या ये पूरी जर्नी रही है? मैम, आरबीआई के केस में मेरा तो 5th अटेम्प्ट था अभी इस बार, और थर्ड इंटरव्यू था. तो मैंने प्रिपरेशन, एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड है, मेरा बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है. 2016 पास आउट हूँ मैं. तो उसके बाद मैंने 1.5 साल के आसपास एलएनटी में जॉब था. उसके बाद 2018 के बाद मैंने जॉब छोड़ के प्रिपरेशन चालू किया. मतलब आरबीआई का नहीं, दूसरे एग्जाम्स को कर रहा था. तो इंसिडेंटली मैं आरबीआई को प्रिपेयर करने लगा. फिर तो मैंने 2018 में आरबीआई का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था. तो उसमें मैंने इंटरव्यू तक गया था. फिर 2019 में सेकंड अटेम्प्ट दिया था, तभी भी इंटरव्यू में तक गया था. बट उस टाइम इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स मिल गए थे मेरे को, तो उसकी वजह से मेंस में हाई स्कोर था बट मार्जिन से रह गया था. फिर 2019 में, फिर 2020 में तो कोविड आ गया. फिर थर्ड अटेम्प्ट जो था मेरा आरबीआई का, उस टाइम पे जो सेकंड वेव था, डेल्टा वेव, उसके इनिशियल फेज में मैं एडमिट हो गया था. तो एग्जाम बाद में पोस्टपोन्ड हुआ था. तो थर्ड अटेम्प्ट में मैं मेंस ही नहीं दे पाया था. फिर फोर्थ अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ, और फिफ्थ अटेम्प्ट में मेरा इस बार हो गया था. ये आरबीआई का है. पैरेलली में आरबीआई असिस्टेंट में भी 21 में ज्वाइन कर लिया था, और 22 में नाबार्ड में ज्वाइन कर लिया था. ब्रिलियंट. तो आपके पास बहुत एक्सपीरियंस है. आपने कैसे ये एनर्जी सस्टेन की अपने आप को इम्प्रूव करते रहने की? बहुत लोग बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं इतनी लंबी जर्नी होने के बाद, और या फिर गिव अप कर देते हैं. मैम, मेरा तो सिंपल था, क्योंकि मैं तो पहले से ही टॉपर रहा था कॉलेज. इससे ही, मतलब मैं 12th में डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है. और मैं इंजीनियरिंग में ही टॉप कॉलेज में ही पढ़ा था. तो हमेशा से, मैं जब से जॉब छोड़ा था, तो मैं ऑलवेज जिस भी फील्ड में जाऊँ उस पर टॉप पोजिशन जहाँ पे हम रीच कर पाएंगे उधर का ट्राई करता था. तो आरबीआई ग्रेड भी होगा या नाबार्ड ग्रेड ए होगा या सेबी ग्रेड ए होगा, तो मेरे को लगता कि इस ऑर्गेनाइजेशन में टॉप तो यही है. तो उसमें से आरबीआई ग्रेड भी टॉप पे आता है. तो मेरा मतलब वही था कि जब तक हम उधर ना पहुंचे तब तक फिर अपने कॉम्पिटेंस का सही से इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैं अंडर एम्प्लॉयड फील करता था. तो बस, बाकी तो कुछ नहीं. फिर इसमें तो क्या है कि कुछ फंक्शनल इश्यूज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज होते हैं. तो फंक्शनल तो आप किसी के मेंटरशिप से, डायरेक्शन से, कोर्स से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, विदिन 6-7 मंथ्स कर सकते हो. लेकिन जो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, मतलब किसी का एक इंटरव्यू का ही बहुत बड़ा इशू है, तो उसको इट टेक्स टाइम. किसी का इंग्लिश में इशू है, राइटिंग डिस्क्रिप्टिव में इशू है, इट टेक्स टाइम. किसी का प्रिलियंस में क्वांट का या रीजनिंग, मतलब जिसका मानो कि नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है, उसके लिए बहुत डिफिकल्ट जाता है. क्योंकि इस प्रिलियम्स का नेचर इतना फास्ट है कि उनका जो ब्रेन उसके लिए ये नहीं होता. बाकी एग्जाम जो इंजीनियरिंग होगा या बाकी होंगे ना, उनके जो ग्रेजुएशन के एंट्रेंस एग्जाम है वो इटसेल्फ आर कॉम्पिटेटिव, बट बाकी फील्ड में कॉम्पिटेटिव नहीं है. तो इसकी वजह से उनके स्ट्रक्चरल इश्यूज प्रीलिम्स में आते हैं, कुछ लोगों के डिस्क्रिप्टिव में आते हैं. स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में डिस्क्रिप्टिव लिखना नहीं होता है, तो उसमें उनको इश्यू आते हैं. इंटरव्यू में जिनका कभी कैंपस नहीं हुआ है, या मतलब पहले से सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब ओनली नॉट ओरल कम्युनिकेशन होता है, तो उसमें इश्यू आते हैं. बट विद टाइम, मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे कैसे इम्प्रूव करना है. बट स्ट्रक्चरल इश्यूज टेक टाइम. तो ऐसा नहीं कि एक अटेम्प्ट में हुआ नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में हुआ नहीं. जितने अटेम्प्ट है उतने सारे यूटिलाइज कर सकते हो, ऐसा नहीं. ऑल आर इक्वली गुड. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ या फिफ्थ अटेम्प्ट में, सिक्स अटेम्प्ट में, ऐसा कुछ ये नहीं है. मतलब सिलेक्शन होना इज इम्पोर्टेंट. आपकी ये जो जर्नी रही है, मतलब आपने कंसिस्टेंटली जो एफर्ट किया है उस पे डेफिनेटली मतलब हैट्स ऑफ, क्योंकि इतना रेगुलरली उसके बाद इवन चैलेंजेस जो आए हैं उसको फेस करते हुए, आई एम श्योर उस वक्त आपका मेंटल स्टेट और आपकी कैपेसिटी थोड़ा सा क्लियर करना प्रीलिम्स और फिर 2021 में ना लिख पाना मेंस अपने आप में काफी चैलेंजिंग रहा होगा, काफी स्लो फेज आया होगा आई एम श्योर. आपने उसको कैसे ओवरकम किया, कैसे आप फिर से डटे अपने एग्जाम की तरफ? मैम, पैरेलली वैसे तो इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, क्योंकि अनसर्टनिटी तो है ड्यूरिंग द एग्जाम. मतलब कौन से भी एग्जाम में, जैसे आरबीआई की बात करें तो विद इन 6-7 मंथ्स आप मतलब इनफ प्रिपेयर हो जाता है.
बट बाद में फिर कंपटीशन, ऑन द स्पॉट वाला गेम आ जाता है कि ऑन द स्पॉट कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से आपको एक साल रिग्रेट करते हो। फिर मतलब हर किसी का होता है कि थोड़े थोड़े पॉइंट्स इंटरव्यू में हो गया, मेंस में हो गया, कुछ ऐसी चीजें हो जाती है कि आपको एक साल फिर लग जाता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो उसमें क्या एक पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये तो होना ही होना है। मतलब मेरे से बहुत अच्छे मतलब जिन्होंने मेरे को शुरू में, मेरे दोस्तों ने जिन्होंने हेल्प किया उनका नहीं हुआ, तो वैसे भी होता है कि आपका, आप किसी को बोलते हो उसका हो जाता है लेकिन आपका नहीं होता है। मतलब इस पार्ट ऑफ द प्रोसेस में तो यही बोलूंगा कि करते रहना चाहिए। और नंबर टू क्या है कि आपको इस फील्ड में, जैसे नाबार्ड ग्रेडे का एग्जाम है और आरबीआई ग्रेडे का है, उसमें मोटा मोटा 60% इज कॉमन है ना। मतलब जी नाबार्ड का इंटरव्यू का क्वालिटी और आरबीआई का इंटरव्यू क्वालिटी मोर और लेस सेम है। आरबीआई का इंग्लिश और नाबार्ड का इंग्लिश मोर और लेस सेम है। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो लोग आरबीआई का दे रहे हैं तो वो सिर्फ आरबीआई का एग्जाम ना दे, उसके रिलेटेड जो भी एग्जाम है हाँ जी तो वो एग्जाम देते रहे, कि सो दैट है ना, क्योंकि आप एक ही एग्जाम दोगे तो मतलब एक साल का गैप हो जाता है। अगर आप इस बार प्रीलिम्स नहीं हुए, अगले बार मेंस नहीं हुए या इंटरव्यू में नहीं हुए, फिर मतलब एक साल के गैप में ना कंपटीशन, आप कॉम्पिटिटिव इतने बनते नहीं हो। तो मतलब सारे एग्जाम्स उस हॉरिजन के देने चाहिए। जैसे मेरे को प्रीलिम्स को, मैं आरबीआई को तो यही लगता है कि जो प्रीलिम्स में जैसा नेचर है उसके पैरेलल जो भी एग्जाम है आप देते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मतलब देते रहना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं, हो ही राइट। जाता है इवेंचुअली। सो लेट्स अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं अब हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं आपका जो प्रेपरेशन जर्नी रही है। आपके पास कुछ बहुत ही, मैंने देखा आपने जैसे जो स्ट्रक्चरल इशू को ठीक करने की बात करी, तो मेरे को लगता है आपके पास गोल्ड माइन है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे कुछ कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को बता पाने के लिए। तो कौन से स्टेज में आपको पर्सनली एक कोई वीकनेस लगी और आपने उसको कैसे ठीक किया? जैसे आपने मेरे को अपने इंटरव्यू के बारे में बताया, तो आप उसके बारे में कुछ इनसाइट्स देना चाहेंगे तो बताइए। मेरे तो प्राइमरी, मेरे पर्सनली तो दो थे कि एक तो इंटरव्यू वाला फैक्टर हो गया, हाँ जी सेकंड है कि डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट हो गया। पहले तो इंग्लिश ही आता था डिस्क्रिप्टिव, अभी तो सब आने लगा है। और बाकी जो था, मेरे कैट वगैरह का बैकग्राउंड था तो इसकी वजह से मेरे को प्रीलिम्स में कोई इशू आया नहीं इतना। हाँ तो जी मैं सिर्फ, आपने जैसे बताया कि दो, इसमें मैं बेटर बता पाऊंगा कि उसमें मेरा इंप्रूवमेंट तो आए। तो इम्प्रूवमेंट का मैं मतलब ऐसे डाटा पॉइंट बोलेंगे तो मेरा सेकंड इंटरव्यू में मेरा 6.5 मार्क्स मिले थे मेरे को, और अभी मेरे को 65 मार्क्स मिले। तो ये बहुत ड्रास्टिक चेंज है। तो ये तो मैं सब स्ट्रक्चरल इश्यूज थे जो मैंने ओवर द टाइम में इम्प्रूव किया है। नंबर टू मेरा इंग्लिश में जो था कि मतलब वो बिलो 50 मार्क्स आते थे। तो अभी मेरा नाबार्ड में हुआ था तब 63-64 कुछ आए थे, और अभी ब्रिलियंट। पता नहीं, अभी देखा नहीं मैंने इतना। हाँ जी तो उसमें था कि मतलब दोनों में बहुत इंप्रूवमेंट किया है। तो मैं अभी नंबर टू, इसको तो पहले इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ। तो इंग्लिश में क्या होता है कि जिसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं, तो उसने ये नहीं सोचना चाहिए कि मतलब कभी कभी हम लिखते हैं तो ब्लैंक हो जाते हैं ना, लिख नहीं पाते, तो स्ट्रक्चरल इश्यूज है, कंटेंट चाहिए, डेटा चाहिए, ब्ला 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 बहुत चलता है मार्केट में। बट ऐसा कुछ नहीं, हर इंडिविजुअल अलग होता है। तो आपको शुरू में, जिसे आपको स्टार्ट करना है, तो आप खुद के बारे में लिखिए पहले। तो नंबर वन, कुछ भी लिखिए जिसके बारे में आपको पता है ना, जो आपने पढ़ा है, तो मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है कि आपने लिखने की, नंबर वन, की आदत ओवर द टाइम हैबिट बन जाती है। नंबर टू, आपको जो आपने लिखा है ना, कि एक पॉइंटर ये कि इंग्लिश का पेपर है ना, लोगों को लगता है कि ईएसआई का टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल कि रूरल एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड टॉपिक है, पर आपने वो, आपको लगता है कि मैंने जो सब्जेक्ट में पढ़ा है या गवर्नमेंट का है वो लिखेंगे तो ज्यादा मार्क मिलेंगे, ये डाटा डालेंगे तो ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश का पेपर इज इंग्लिश का पेपर, वो सबसे पहले निकालना है दिमाग से कि इंग्लिश का पेपर इज फ्रॉम द ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू है ना, फ्रॉम द स्ट्रक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें तुम्हारा कॉन्टेंट कोई काम का नहीं, कि नीति आयोग ये बोला ये बोला, ऐसा दैट डजेंट मैटर। तो उसको, आपको इंग्लिश को है ना, कीप इट सिंपल, एकदम सिंपल रखना है, बच्चों की तरह लिखना है कि मतलब 8 to 10 सेंटेंसेस का ही एक डायलॉग चाहिए, मतलब सॉरी एक सेंटेंस चाहिए, उसके बाद सेकंड सेंटेंस भी 8 to 10 वर्ड्स का ही चाहिए, और बीच में कनेक्टर चाहिए, बस सिंपल। आप जितना सिंपल रखेंगे ना उतने मिस्टेक्स कम होंगे और मार्क्स ज्यादा होंगे। अभी इसका प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चरल इश्यू, इसका आप धीरे धीरे स्टार्ट करोगे तो आपको पहले तो वर्ड पैड में लिखना है, नॉट वर्ड, एमएस वर्ड में, वर्ड पैड में लिखोगे तो आपके इंग्लिश वगैरह ग्रामर कोई डिटेक्ट नहीं होगा, नंबर वन। नंबर टू, आपको वही चीज है ना, दो वेबसाइट है, ग्रामरली और क्विलबोट है ना, QUILLBOT और बोट ग्रामरली। तो ठीक है। आप उसमें डालिए तो आपको, अभी आपका 30 का लेवल है, आप अगला कुछ डालिए 40 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, तो आगे जाके क्या होगा कि 60-65 तक आपका स्कोर स्टैग्नेंट हो जाएगा, उसके जी आप नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि इंग्लिश ऐसा है कि आपको बचपन से चल रहा है, तो उसके बियॉन्ड आप इंप्रूव नहीं कर पाओगे। तो जब तक आप 40 से 60-70 तक आपका रेंज आ गया, तब आप वो एक्सरसाइज आपका फ्रूटफुल हो गया, कि मतलब आपने 10-12 मिस्टेक आपके डेफिनेटली कम कर दिए।
तो आप जैसे करते रहोगे ना, तो आपका धीरे धीरे सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो जाएगा कि मतलब लिखते टाइम ही आपका हिट हो जाएगा कि ऐसे नहीं ऐसा होता है। और जितने छोटे सेंटेंसेस रखेंगे उतने मिस्टेक्स कम होते, लंबा सेंटेंस रखोगे तो पैरेलिज्म एरर वगैरह बहुत कुछ होता है, वो आपका स्किप हो जाएगा। सिंपल सिंपल रखने का है इंग्लिश में। उसके बाद आपको छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे आपका मोबाइल में आप ग्रामरली का कीबोर्ड डाउनलोड कर लो, आप नॉर्मल चैटिंग भी करोगे व्हाट्सएप इंस्टा वॉट एवर, तो उस पर भी आपका ये हो जाएगा, क्या ग्रेट, बोलते हैं, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें, अगर आप वर्किंग कैंडिडेट हो तो उसके लिए जो हर कोई वर्किंग में होता है तो नोटिंग वगैरह होती है, तो आप इंग्लिश पॉइंट ऐसा सोचिए कि इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू भी इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आरबीआई में असिस्टेंट में था, तो हमारे जो सीजीएम मैम थी माला मैम, तो उनका है ना ड्राफ्टिंग स्किल बहुत बढ़िया था, तो हमने कुछ भी नोटिंग करते थे तो मतलब 50% तो करेक्शन देती थी, तो बट मैम पे इतना करेक्शन सही था कि जो वेबसाइट भी अच्छा नहीं करता था, तो उसकी वजह से क्या था कि हम डेली नोटिंग करते थे, तो डेली इट्स लाइक एग्जामिनर काइंड ऑफ, मेरे को मॉक देने की जरूरत नहीं पड़ी। और मैं ट्राई बिल्कुल करता था कि जो 20 मिनट्स का नोटिंग करना है तो हम 10 मिनट्स में कर पाए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में करता था, तो ओवर द टाइम है ना उसमें ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट हुआ। तो ऐसे ही छोटी छोटी चीजें करते बैठनी चाहिए। और इसका सिंपल होता है, इंग्लिश में क्या है कि और कुछ एक मिथ होता है कि इंग्लिश में लगता है कि इंग्लिश इज जस्ट ऐसे, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे तो सिर्फ 40 मार्क है, बचा हुआ तो बाकी है ना 60 मार्क्स है, तो लोगों ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू ट्रीट करते हैं। लेकिन प्रेसिस और आरसी का उधर ही है जो है, आपको उसमें से ही लिखना है, मतलब 60 40 मार्क के बाहर से लाने हैं, तो कभी कभी लगता है ना कि इंग्लिश इज ऐसे, ऐसा कुछ नहीं है। और उसमें कुछ होते मतलब स्ट्रैटेजी होते हैं कि जैसे आपको सिर्फ इंग्लिश स्पेसिफिक बताए तो मैंने जो इस्तेमाल किए थे, तो कि कब आपको जब टॉपिक देखें, जैसे कुछ भी टॉपिक होगा, फॉर एग्जांपल आप एक टॉपिक दीजिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट करके बताता कि मैं कैसे किया था, एक एनी टॉपिक इंग्लिश का। आप पिक कीजिए खुद से जैसे आप चाहें, तो नहीं जो नहीं जो मतलब कौन एग्जाम सा, का टॉपिक रहा था, आप उसी को कैसे आपने, ठीक है, एग्जाम्पल की मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है फॉर जी इंस्टेंस, जी ऐसा कुछ टॉपिक है ना, तो आपको क्या करना है, नंबर वन है ना जो 3 प्रोसेस लोग एक साथ करते, हर कैंडिडेट करता है, नंबर वन थिंकिंग, नंबर टू राइटिंग, नंबर थ्री वो प्रूफ रीडिंग वाला, बाद में हम मिस्टेक्स करेक्ट करते हैं राइट या ड्यूरिंग द राइटिंग और आफ्टर राइटिंग, ये 3 प्रोसेस आपको स्प्लिट करने, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। स्प्लिट मतलब एक ही साथ नहीं करना है कि मतलब टॉपिक आया लिखते बैठो लिखते बैठो, तो एक साथ आप सोच भी रहे हो लिख भी रहे हो, बाद में टाइपिंग एरर हुआ कम, तो इतना प्रोसेस करोगे तो आपका इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, और राइट आपको टाइमर जब हिट होगा तो आपके मिस्टेक्स बढ़ेंगे। तो सिंपल करना है कि पहले थिंकिंग पार्ट अलग करना है, टॉपिक दिखा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, फटाफट 10 कीवर्ड्स लिख लेना, एंटरप्रेन्योरशिप वाई इंपॉर्टेंस क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, फ्यूचर क्या है, वाई इट इज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रूरल अर्बन डिवाइड, आपको जो दिमाग में आते हैं 10 कीवर्ड लिख दो, है राइट ना, मतलब आपका थिंकिंग पार्ट अलग हो गया। उसमें फिर नेक्स्ट स्प्लिट है कि आपको इंट्रो बॉडी और कंक्लूजन डायरेक्ट लिखते नहीं बैठना है, इंट्रो में जैसे 300 वर्ड का ऐसे है, तो मोटा मोटा कि 15 वर्ड्स का हमारा एक सेंटेंस होता है, तो 300 डिवाइड बाय 15, तो 20 डायलॉग्स हमारे हो गए, 20 डायलॉग्स में से 15% इज इंट्रो, 15% इज कंक्लूजन, 70% इज मेन बॉडी, उसमें से 35% बॉडी वन 35% बॉडी टू, एकदम सिंपल। जी तो 15% में क्या है कि 300 वर्ड होंगे, तो मतलब 3 डायलॉग इंट्रो में, 3 डायलॉग मेन बॉडी में, 7+7 मेन बॉडी इसमें, सॉरी 3+7+7+3, तो ये 3 डायलॉग जो है आपको, ये डायलॉग मतलब आपने जो कीवर्ड लिखे, जो कीवर्ड लिखा है उसका ही सेंटेंस बन जाएगा, है ना, तो इससे क्या होता है आपका प्रोसेस इतना प्रोग्राम हो जाता है आपका माइंड कि आपको जो जो कीवर्ड लिखोगे, आपको कीवर्ड से पेपर पे लिखने हैं, कीवर्ड का डायलॉग आपको रिटर्न में लिखना है, तो ये सिंपल हो जाएगा। और जैसे आप पैरा चेंज करोगे तो ये कनेक्टर लग जाएगा, ये सिंपल हो जाता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि ये आपने, मैंने जो बताया कि 300 वर्ड का 15 का है, तो उस आपका जो वर्ड लिमिट का जो फैक्टर है वो आपके दिमाग वो डेफिनेटली इंश्योर हो जाएगा, क्योंकि आपने जी प्रिपेयर वे से किया है, आपको देखने की जरूरत नहीं कि वर्ड लिमिट क्या मीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप नॉर्मल वे से करोगे तो आपका कंक्लूजन छोटा हो सकता है, मेंस बड़ा हो सकता है, मेन बॉडी बड़ा हो सकता है, इंट्रो बोर्ड बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब चेंज हो जाता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रेशियो 15:70:15, ये करने से मीट हो जाएगा नंबर वन। उसके बाद जब आप डायलॉग लिखोगे, राइटिंग के टाइम आपको सिर्फ राइटिंग करना है, आपको ये नहीं देखना है कि मेरा स्पेलिंग मिस्टेक क्या हो गया, जैसे आप जैसे ए जो टैप नाम है, तो ADUTAP, तो क्या होता है कि पी और ए और बी कीबोर्ड में एक ही साथ जो है ना, तो फास्ट टाइपिंग में एक ही साथ बगल वाला टाइप हो जाता है, तो जो टाइपिंग एरर हम बोलते हैं, यम और यम पास में, तो यम यम की जगह यम स्पेस हो जाता है, तो ऐसे होना ही है। तो अगर आप टाइप करते करते वो करते बैठोगे ना, तो आपका मतलब राइटिंग में जो पॉइंट लिख रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा, माइंड एक टाइम पे 2 प्रोसेस करेगा तो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो आपको लिखना है, लास्ट में 2-3 मिनट आप बचेंगे उसमें आप फटाफट प्रूफ रीडिंग करके राइट
चेंज कर फिर लो। उसको ठीक कर। हाँ ब्रिलियंट, तो आपने जो पूरी डिस्क्रिप्टिव की प्रोसेस है उसको मैंने देखा, पूरा ऑटोमेट कर दिया कि ये प्रोसेस मैं फॉलो करूंगा और उससे आपका कोई स्ट्रेस नहीं होगा एग्जाम में। और बहुत ही लेकिन मैं जानती हूँ ये काफी नेचुरल प्रैक्टिस जो आपके वर्क करते वक्त हो रही है, और उसके अलावा इन जनरल आपने बहुत प्रैक्टिस के थ्रू ही ये इम्प्रूव किया है, तो ऑब्वियसली हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इस चीज़ में। तो सर ब्रिलियंट टिप्स दिए आपने कुछ। आपने मेरे को अपने ऐसे ही इंटरव्यू के बारे में भी बताया कि आपने कैसे बहुत ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट किया अपने मार्क्स का, वो भी बताइए एक बार स्टूडेंट्स के लिए। इंटरव्यू का मैडम, एक तो नंबर वन को तो आपको तो प्रोफाइल बायोडाटा थोड़ा होना चाहिए, है हाँ जी, ना? हाँ क्योंकि जी, मेरा जो मतलब मेरा एक बड़ा इम्प्रूवमेंट, मतलब मेरा को एक ही चीज बहुत हिट हुई थी, सेकंड अटेम्प्ट में था ना, मैं पूरा प्रिपेयर था। तो हाँ जी, एक मेरा बीटेक बैकग्राउंड था, तो मेरा पहला ही सवाल था कि हाउ हाउ यू आर यूजफुल टू आरबीआई। हाँ जी, तो मेरा आंसर जो था कि मतलब हमें लगता है, और एक चीज मैंने जब जब हिंदी में इंटरव्यू दिए तब मेरे को ज्यादा मार्क मिले। नाबार्ड का मैं हिंदी में दिया था तो मेरे को 50 में से 43 मिले थे, अभी आरबीआई का हिंदी में दिया 65 मिले, जब इंग्लिश में दिया तो मेरे को मार्क्स कम आए। तो हाँ जी, ऐसा मतलब ये तो मीत है कि हिंदी में मार्क्स कम मिलते, ऐसा नहीं। मेरे केस में तो हिंदी में चूज करने से ज्यादा मार्क्स बढ़ गए। तो नंबर वन क्या है कि मीडियम ऑफ इंटरव्यू आप वही दो कि जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, कंफर्ट, मतलब हाँ जिसमें जी, नेचुरल आए, बिल्कुल। मतलब कितना नेचुरल आए। कितना जंप किया आपका मार्क्स आरबीआई पिछले इंटरव्यू से इस बार? बहुत इसमें ड्रास्टिक सिक्स, चेंज था। मेरे को 6.5 थे तब, तो एक्चुअली तब 50 का इंटरव्यू था, हाँ जी, अभी 75 का होता। हाँ जी, हाँ जी, और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को 20 या 22 कुछ थे, याद नहीं मेरे को, हाँ बट वो जी, फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं तो ऐसे ही हाँ घूम जी, के हाँ आया जी, था, उसमें कुछ है नहीं, हाँ मतलब जी, तो वो मैं ट्रीट ही नहीं करता सीरियस अटेम्प्ट। बट सेकंड अटेम्प्ट में था कि 6.5 आए थे, अभी 65 आए हैं। हाँ तो जी, उसमें जो था कि आपको आपका मीडियम ऑफ इंटरव्यू आपको कंफर्टेबल हो चूज करना है, जो मैंने नहीं किया था, वो मेरा ब्लंडर था। नंबर टू क्या है कि आपको जो बेसिक सवाल है, टॉप 10 20 क्वेश्चन, कि आप क्यों आरबीआई आना चाहते हो, आपका बैकग्राउंड कैसे हेल्प करेगा, आप करंटली क्या कर रहे हो, है ना, बेसिक बेसिक जो 10 12 सवाल है, वो इतने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं कि आप जो भी बोलोगे उसमें से ही सवाल पूछेंगे वो। तो ये सवाल ऐसे है कि जो आपको इंटरव्यू, आप मतलब आप कंट्रोल कर पाओगे इंटरव्यू को। अगर वो सवाल में अगर आपने ऐसा बोल दिया और उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग किया और आप उसको डिफेंड दिया, ये नहीं कर पाएंगे, तो आप मतलब वो एक्सपेक्ट करते कि आप बेसिक को सवाल आपके बारे में तो आंसर करना चाहिए। ये गलती मैंने बहुत बड़ा ब्लंडर किया था कि मेरे को पूछा था कि बीटेक का कैसे हेल्प होगा, तो मैं तो इंग्लिश में रट के गया था कि एज बीटेक बैकग्राउंड, ना एज अ टेक्नो बैकग्राउंड, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्ला 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 ऐसा छोड़ दिया। तो उन्होंने मेरे को ब्लॉकचेन पे इतना गंदा पेला था कि उस टाइम पे नया नया था एक्चुअली, 19 में हाँ ब्लॉकचेन और ये, तो मैं मेरे को ज्यादा पता नहीं था। तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो शुरू के 2 मिनट थे, इतना मेरा ये हो गया कि उन्होंने फिर लास्ट में बोला कि 2 मिनट आप बोल के दिखाओगे, तो वो भी नहीं आया था मेरे को। फिर लास्ट में जो ये चेयरमैन के सर का था, उसके बाद जो कैंडिडेट जो बाकी लोग जो पैनल में होते, उन्होंने बहुत आसान आसान सवाल पूछे थे, बट मैं आई डोंट नो बोल के खत्म किया जी, इंटरव्यू। तो हाँ मतलब ये जी, शुरू का जो नर्वसनेस का फैक्टर मेरे इम्पैक्ट हो चुका, अगर मैं नर्वस नहीं होता तो बाकी तो उस टाइम पे हो जाता। तो पॉइंट इज दैट कि आपको जो टॉप 10 क्वेश्चन है, टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20, व्हाटएवर, तो वो आपको इतने अच्छे से प्रिपेयर करने कि आप एक बार उन्होंने पूछा तो दे आर ओपन एंडेड क्वेश्चन, मतलब फॉर एग्जाम्पल कि व्हाई यू आर कमिंग टू आरबीआई, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, तुम जो बोलोगे वही सही है। व्हाट इज रेपो रेट बोलोगे तो उसका एक ही आंसर हो सकता है, हाँ जी, लेकिन जो ओपन एंडेड है उसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो सही आप बात वो है, प्रिपेयर करके जाओ, वो प्रिपेयर करके आप जो बोलोगे उसमें से ही वो सवाल पूछेंगे। तो मैंने इस बार क्या किया था कि ये लर्निंग था। और इंटरव्यू में और एक लर्निंग है कि आपको 15 मिनट्स का मैक्स इंटरव्यू होता है इधर, 10 to 15 मिनट्स। तो ज्यादा से ज्यादा कितना भी रैपिड फायर कर लो या डिस्क्रिप्टिव कर लो, 20 से ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते। और आप कुछ भी कर लो, 10 से ज्यादा आपको आंसर देने ही नहीं है। तो 20 और 10, 10 तो आपको छोड़ने हैं, मतलब आई डोंट नो, उसमें मेथड आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट, मतलब जो भी होगा कि आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई वॉन्ट टू गेस, है ना, इट इज अबाउट एक्सैक्टली, आपको जो भी मोड है, लेकिन 10 आपके परफेक्ट होने चाहिए, वो भी पॉइंट वाइज। आपको पोथी नहीं, पोथी मतलब सॉरी स्टोरी नहीं बोलनी है हाँ जी, हाँ जी, ना, कि हाँ जी, मतलब लोगों को लगता है क्यों आना चाहते हो, तो आप बोलेंगे मैं बचपन से करता था, ये करता था, ये सब पता चला, ऐसे वो स्टोरी नहीं चाहिए। सिंपल पॉइंट चाहिए कि व्हाई आई कम टू आर व्हाई यू वांट टू कम टू आरबीआई नाबार्ड एक्सेट्रा। तो उसमें सर प्राइमरी देर आर 3 रीजन, नंबर ए, नंबर बी, नंबर सी, खत्म, उधर ही रुक जाओ, ब्रिलियंट, हाँ बाकी जी, लेट देम आस्क, वो आप जो 1 2 3 हाँ बोलोगे जी, उसमें से ही पूछेंगे, तो आपने आपके ट्रैप में उनको फंसा लिया। हाँ जी, तो ऐसे ही करना है। तो मेरा जो इस टाइम पे जो इंटरव्यू था ना, तो मेरा जो डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन है मैडम नाबार्ड में, हाँ तो जी, मेरे को पता था कि नाबार्ड की मेरे सुपरविजन ही कॉमन फैक्टर है। अगर सुपरविजन मेरे को पहले ही वर्क एक्सपीरियंस पूछेंगे कि पहले क्या कर रहे हो, हाँ तो जी, मेरा आंसर मैंने इतना अच्छे से फ्रेम किया था कि पता
मतलब तीन कैंडिडेट, छह कैंडिडेट थे, तो सॉरी छह पैनल में थे, तो चेयरमैन सर और एक मैडम और एक सर थे। उन्होंने तीनों को मैंने वो आंसर से, तीनों जो तीनों ने जो भी सवाल पूछे मेरे उसी आंसर के क्रॉस क्वेश्चनिंग थे, तो मैं प्रिपेयर वैसे करके दिया था। तो 15 मिनट में से 10 मिनट मेरे उनमें ही चले गए, तो वो मेरे फेवर में चला गया। और एक फैक्टर था कि जैसे मेरे इधर भी मेरे हमारे जो जीएम वगैरह लेवल के लोग हैं, तो उन्होंने मेरे को बहुत प्रिपेयर करके दिए थे आंसर, तो उसका बहुत हेल्प हुआ। हाँ जी, मैंने देखा है आपने अपनी जॉब को बहुत ही प्रोडक्टिवली डायरेक्टली यूज किया है हर हर स्टेज में एग्जाम की। ये आपकी बहुत खूबसूरत क्वालिटी लगी है। आप वर्किंग एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस देंगे इन जनरल? मैंने जो जिनको पूरा पूरा दिन नहीं होता है, आपके पास दोनों चीजों का एक्सपीरियंस रहा है, तो किस तरीके से तैयारी आपने इफिशेंटली की, बेटर की, वर्किंग एस्पिरेंट होते हुए और ना होते हुए, उसका थोड़ा सा, और उसका क्या इम्पैक्ट भी मैम रहा आपकी कॉन्फिडेंस और इंटरव्यू पे? हाँ इसमें तो दो फैक्टर जो है, जो नॉन वर्किंग है और वर्किंग जी, है, उसमें हाँ जी, नॉन वर्किंग को एडवांटेज है टाइम हाँ जी, एनर्जी एक्सेट्रा, हाँ हाँ, जी, बट लिमिटेशन और पैसे का आ जाता है, मतलब आपको हाँ जी, कोर्स मॉक एक्सेट्रा। बट जो वर्किंग है उसको पैसे का एडवांटेज है, लेकिन वो दोनों में एडवांटेज नहीं, टाइम और एनर्जी, हाँ जी, मतलब हाँ जी, आपको फ्री माइंड चाहिए। बिल्कुल, आपको जो टाइम, ये जो वर्किंग कैंडिडेट का है कि इरिस्पेक्टिव आप कौन से भी फील्ड में, आपको अगर आपसे निकलना है तो आपको टाइम निकालना ही हाँ जी, है। मतलब वो लोगों को लगता है टाइम निकालना है मतलब कि डेली में रात को 4 घंटे कर सकता हूँ, सुबह 4 घंटे कर सकता हूँ, सुबह दो रात हाँ को दो एक्सेट्रा, ऐसा नहीं है। आप ड्यूरिंग द मेरा तो वही था, नाबार्ड और आरबीआई में जब जॉब कर रहा था, तो मैंने अलग से टाइम वाला फैक्टर मेरा कम था। जो आप ऑफिस आवर्स में है उसको ही आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऑफिस में बाहर का पढ़ना, बट वो प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे हाँ मैंने जी, इंग्लिश का बताया, नोटिंग का आपने तो बताया, हाँ ब्यूटीफुल, हाँ जी, वो 10 मार्क आपके इम्प्रूव हो ही जाएंगे, हाँ जी, नंबर वन। नंबर टू, आपको इंटरव्यू का है ना, आपके सीनियर ऑफिसर्स होंगे, वो दे हैव गॉन थ्रू दिस प्रोसेस, ट्रू, है हाँ ना, जी, बिल्कुल, तो आपको वो बेटर पोजीशन पे होंगे मेंटर करने के लिए, हाँ जी, क्योंकि उनको पता है। जैसे मैं नाबार्ड में था ना, तो आरबीआई नाबार्ड मोटा मोटा सिमिलर है हाँ एचआर जी, हाँ जी, स्ट्रक्चर, हाँ जी, तो उसमें जो क्वालिटी का मेरा ऑफिसर से आरबीआई में सेम क्वालिटी के आएंगे, तो मेरा जो मेरे को उनको उनका गाइडेंस लेना है, तो मैं वो चीज कर पाऊंगा। हाँ जी, मतलब मेरे को इंटरव्यू वाला फैक्टर में 15 मार्क्स मेरे बढ़ गए उसी वजह से, इंग्लिश में 10 मार्क बढ़ गए, तो 25 मार्क्स आपको बिना कुछ करे जॉब से मिल जाएंगे, ठीक हाँ जी, है, नंबर वन। एग्जाम तो बात की बात है, हाँ जी, उसके बाद आपको क्या करना है कि जैसे मैं आरबीआई असिस्टेंट में था मुंबई में, हम 1.5 घंटा 1.5 घंटा ट्रैवल करते थे असाइड, उसके बाद जाने का असाइड, तो ट्रेन का टाइम तो वैसे ही हम इंस्टा पे रील्स वगैरह देखते रहते हैं, शॉर्ट्स हाँ वगैरह, जी, तो हाँ जी, उसमें वेस्ट हो जाता है। हाँ तो जी, उससे अच्छा क्या करना है कि वो टाइम आपको इस्तेमाल करना है, उसपे आप तो ट्रेन में ज्यादा भीड़ होती है, तो आप पीडीएफ हाँ वगैरह भी जी, इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो हाँ उसमें जी, मैं क्या करता था कि एट द एंड ऑफ द डे, जैसे 2-3 घंटा पढ़ा, तो मैं जो भी पढ़ा, अभी नोट्स लिखने का आपका तरीका ऐसा नहीं कि नोट्स पाइल अप करते जाओ, पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, तो मैं जितना भी मानो 4 पेज पढ़े, तो वो मैं 5 मिनट में रिकॉर्ड कर लेता था, ऑडियो रिकॉर्ड, और वो सेम रिकॉर्डिंग मैं सुबह मॉर्निंग में ट्रेन में सुनता था। तो इसके वजह से मेरा रिविजन इतना हो गया कि मेरे नोट्स का वैल्यू नहीं रहा, सब मेरे दिमाग में चला गया। परफेक्ट, तो ये चीज से क्या हेल्प होता है, जैसे आपका मैनेजमेंट का था, मैंने वो उस टाइम पे जो किया था, अभी नाबार्ड में कैसे हेल्प हुआ हाँ कि जी, मैनेजमेंट के हमारे, मतलब मैनेजमेंट का सिलेबस ऐसा है कि आपको 10 सौ आप प्रेडिक्ट कर पाओगे क्वेश्चंस बिल्कुल, एग्जाम में, तो हाँ जी, आपके आपके एजू टैप में बहुत अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वाले दिए हुए हैं। हाँ आप जी, क्या करने का कि ऑडियो रिकॉर्ड करने का, जितने टॉप 20 सवाल है उसके 2-2 मिनट में ऑडियो रिकॉर्डिंग करने का, कि मतलब ये कीवर्ड्स होंगे मैं ऐसा लिखूंगा, ऑडियो रिकॉर्ड करने की वजह से आपका प्रिपरेशन एकदम प्रोसेस वाइज हो जाता है। आप वही रात को सुनोगे तो आपको मेमोरी भी हो जाएगा, आपका प्रोसेस क्लियर हो जाएगा, हाँ जी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपको ऐसे सिर्फ रीडिंग मोड इस्तेमाल नहीं करना है, ऑडियो मोड इस्तेमाल करना है, रिकॉर्डिंग वीडियो मोड कर सकते हो, डिस्कशन मोड कर सकते हो, मॉक मोड है, मतलब बहुत सारे मोड है, आपको जैसे जितना टाइम मिलता है उतना। हाँ जी, ब्रिलियंट सर आपकी, मैंने बहुत कम इंटरेक्शंस ऐसी होती है कि पूरी जर्नी की आपने टिप्स के थ्रू आपने पूरी अपनी जर्नी दिखा दी है कि कितने इफेक्टिवली आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इतना एफिशिएंटली अपनी प्रोसेस बना दिया एग्जाम के देने की, कि इस बार तो आपका कंफर्टेबली पास होना बनता ही बनता था। इसमें मैं अब आपसे ये पूछूंगी कि जो बैकग्राउंड आपका रहा है, तो स्ट्रगल वाला माहौल, उसका आपने कैसे धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप, जैसे आपने, मैंने देखा आप बहुत अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करके बहुत अच्छी जॉब में से आप फिर उसके बाद आरबीआई असिस्टेंट में आए, उसके बाद आप नाबार्ड ग्रेड ऑफिसर, आपने कंसिस्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव किया है, तो इसमें इसका हाथ है, कैसे आपने, क्या सपोर्ट सिस्टम रहा, क्या आप किस तरीके से उस सब चीजों को आपने मैनेज किया जो स्ट्रेसफुल एनवायरमेंट होता है एग्जाम का?
मैम 3 4 चीजें जो है एक्चुअली, मेरा जब मैं जॉब कर रहा था ना, तब तो वो बहुत बड़ा दो डायरेक्शन थे। एक तो आपको उस फील्ड में कंटिन्यू करना, एक तो एमएस करो, एमबीए करो या यूपीएससी करो। तो 3 4 ही मेजर मेजर लोग हाँ जी छोड़ हाँ देते, जी यूपीएससी एक वर्टिकल होता है, एमबीए एक होता है, नहीं तो बाहर चले जाओ एमएस वाला, मतलब सिविल सर्विसेस वाला, बाकी ये फील्ड तो जनरली सबका ऐसे ही होता है। बट उस टाइम पे जो मतलब जो 22 23 वाला जो एज है, जो कैंडिडेट इस फेज में है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो आप करोगे ना, वो करियर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो फेज में जैसे मेरे जो फ्रेंड सर्कल था, मेरा सबसे अच्छा सर्कल हर जगह रहा है, क्योंकि हाँ मैं जी उस टाइप का हूँ, तो आपका सर्कल भी वैसे होता है। तो वैसे होता आपको है जी आपका सराउंडिंग है ना अच्छा रखना है, तो उसकी एब्सोल्युटली वजह से आप अगर आप भी मतलब प्लस माइनस जो भी होगा, वो आपको आपको सब कुछ पता होता है आपके सर्कल को। हाँ जी तो उसमें मेरे डिसीजन मेकिंग में फिर मेरे फ्रेंड्स के बहुत हेल्प हुआ था एलएनटी में। उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा तो मेरे दोस्त यूपीएससी वाले थे सारे, हाँ तो मेरा जी प्रिपरेशन भी टॉप लेवल ही था। हाँ जी हाँ उसके जी बाद फिर मेरे दो अटेम्प्ट के बाद मेरे को फिर कोविड आया ना, तब तो मैंने खेती में वगैरह बहुत काम किया था, मतलब घर पे ही थे तो उसमें खेती में काम किया था। फिर मैं कोविड का भी टीचिंग करता था, कि मतलब कोविड के अवेयरनेस वगैरह, लोकल लैंग्वेज भी, मतलब हमारे इधर महाराष्ट्र में मराठी, उसका भी रीजन में आयरानी बोल के लैंग्वेज है, जो दो हाँ तीन जी डिस्ट्रिक्ट में बोला, तो उसमें मैंने अवेयरनेस के वीडियो बनाए थे कि हम तो एग्जाम कर नहीं कर पाएंगे, तो आप वो दूसरा कुछ करेंगे। टिकटॉक पे भी हम टाइम पास वीडियो बनाते थे। तो उसमें क्या होता है कि आपको एग्जाम के माइंडसेट से थोड़ा हटके ना लाइफ भी जीनी है हाँ जी जरूरी, क्योंकि एग्जैक्टली स्टैग्नेंसी बहुत लोगों का, आपका जैसे आपका यूपीएससी का बैकग्राउंड है, 2 3 अटेम्प्ट नहीं होता इंटरव्यू देने के बाद, तो लोग कुछ नहीं हिमालय घूम के आते, फिर आने के बाद डायरेक्ट 1 डिजिट रैंक लेके आते, ऐसा भी हो जाता है हाँ जी ना। मतलब आपको है ना ब्रेक लेना है, क्योंकि आप प्रोसेस में रहोगे ना, आपको पता नहीं चलता कि वेर है और रॉन्ग और क्या है। आप जब ब्रेक लेके आओगे वापस, तो एक नई बाउंस बैक करके आते हो। सही तो बात ऐसे होता है फिर, और पैरेलली जैसा है कि अगर आपके अटेम्प्ट एक दो हो गए, तो आप देखो इसमें ऐसा है कि एक दो अटेम्प्ट के बाद है ना, आपको पूरा क्लैरिटी आ जाता है। तो आप अगर अनएम्प्लॉयड रहोगे तो आपके मार्क्स भी कम हो गए, मैं तो डेफिनेटली लिख के देता हूँ आपको। हाँ जी अगर आप एक दोनों इंटरव्यू दे दिए और फिर भी आप अनएम्प्लॉयड रहे, कर रहे हो, तो आपके इंटरव्यू के मार्क्स कम होंगे। हाँ अगर जी आपका नॉलेज बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन आपको मार्क्स कम होंगे, आपको लगेगा कि ऐसा क्यों हुआ है, वैसे ही होता है, हाँ जी क्योंकि आपको है ना पैरेलली है ना, आपको अभी ये हो गया, आपको है ना फिर इम्प्रूव करना पड़ेगा। आपको जॉब ले लो, जॉब के साथ करो, तो वो क्वेश्चन है ना जॉब के साथ आएंगे, तो आपके मार्क्स बढ़ते रहेंगे। आपको अपने आप में वैल्यू एडिशन करना चाहिए, हाँ जी बाकी कुछ नहीं। आपको ऐसा सोचना नहीं है कि ये जॉब ऐसा है, वो जॉब ऐसा है। मैंने तो क्लरिकल लेवल से थोड़ा टाइम किया, फिर ऑफिसर ग्रेड पे किया, ग्रेड भी किया, इस पार्ट ऑफ द जर्नी। आप इसमें लोग आपको अच्छे अच्छे मिलेंगे। हाँ अभी जी मेरा आरबीआई में मेरा अभी बहुत नाम चल रहा है उधर, कि अरे इधर से आ गया, क्योंकि ए टू बी बी मतलब असिस्टेंट टू ग्रेड ए, ग्रेड ए टू बी 10 साल लग जाते हैं, 9 10 साल, हाँ तो जी मेरा हर हाँ साल जी प्रमोशन हुआ है, ऐसा ही हो चुका है। तो मेरे डिपार्टमेंट में बहुत नाम चल रहा है। तो ऐसा होता है कि आप समय के साथ बदलो, तो बदलता है सब कुछ। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेसन आपने दिए हैं आज, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि आपने ये जो आपने लास्ट में ये जो बात बोली असिस्टेंट टू ग्रेड ए, ग्रेड ए टू ग्रेड बी, और इतनी एक तरीके से देखा जाए इतनी जल्दी, तो ये आपकी ऑब्वियसली मेहनत और कंसिस्टेंसी की वजह से ही है। आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट्स को इस पूरी जर्नी को शॉर्टन अप करने के लिए, या आपकी जो लर्निंग्स रही हैं, या उसको इनफैक्ट इमोशनल टर्मोइल जो भी एग्जाइटीज होती है, अनसर्टेनिटी होती है, उसको टैकल करने के लिए वो कुछ फाइनल वर्ड्स जो भी आप एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? मैं तो यही बोलना चाहता हूँ कि मतलब आपने जो भी बोला, ये सबके साथ होता है हाँ जी ना। ऐसा बिल्कुल नहीं कि मतलब जो जिसका पहला रैंक आया है, उसका लास्ट टाइम नहीं हुआ था, उसको ही ये हुआ है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स अ नॉर्मल नेचुरल प्रोसेस। हाँ और जी नंबर टू क्या है कि आपका हुआ तो आपको सब कुछ आता है, और आपको नहीं हुआ तो कुछ नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा तो बिल्कुल मतलब ये दिमाग से हटा देना है कि किसी का हो गया, क्योंकि कॉम्पिटिशन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हाँ जी और सब लोग आपके जैसे है, हाँ जी तो आप मतलब आप ज्यादा अलग भी नहीं हो, और मतलब कम ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो वही है कि कंपटीशन है, तो आपको उस तरह से आपको अपडेट 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 करते जाना है, कि सो दैट आप वो डिजर्विंग लिस्ट में हाँ आ जी जाओ। बस वही होता है, बाकी तो ऐसा है कि कुछ में तो जैसे होते कि आपको आरबीआई में जाना है, तो आपका इकोनॉमिक बैकग्राउंड चाहिए तो आपको एडवांटेज है, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए तो एडवांटेज है, सेबी में आपको कॉमर्स बैकग्राउंड चाहिए। मैंने सेबी का भी इंटरव्यू दिया था, तो उसमें तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, हाँ नाबार्ड में आना है तो आपको एग्रीकल्चर मालूम चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको डेटा बताऊं तो 70% जो भी सिलेक्ट हुए, आप इंटर आरटीआई के निकालना हो तो निकाल लो, कि आरबीआई में, नाबार्ड में और सेबी में 65 to 70% इंजीनियर लोग सिलेक्ट होते हैं। जी जी हाँ, तो ये आपका ये डेटा ये शो करता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, आप एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है उसको मीट करो,
आपका हो जाएगा। और बाकी जो फेजेस है वो तो ऐसा है कि आप वो तो वही तो है, एग्जाम तो उसी के, एक्चुअली हमें लगता है कि जो पेपर आता है उसकी एग्जाम नहीं है, आपके जो फेजेस आते हैं ना उसकी एग्जाम है ना। बिल्कुल सही बात है। हाँ जी अगर आप फेज को ढील गए तो उसी के तो एग्जाम है, बाकी तो है। क्योंकि आप अगर सिलेक्ट भी हो गए, सिलेक्शन होने के बाद इंटरनली हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं, आप इंटरनली प्रमोशन होते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आपको, आपको ऑर्गेनाइजेशन को बाहर रिप्रेजेंट करना होता है, तो आपके कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत सारे फैक्टर आते हैं, तो उधर अलग टाइप की एग्जाम होगी। अगर आप ये डील करना इधर से गए तो इंटरनली लगने के बाद भी आपको वो चैलेंजेस डील करना सीख जाओगे। तो वही है कि सब पार्ट ऑफ द प्रोसेस, आपको वो बेहतर बनाती है ये चीजें ना, बिल्कुल। आपको इम्प्रूवमेंट करती है हाँ जी, ऑन जी। दैट बस नोट, हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। आपकी जो स्पेसिफिकली एक वर्किंग एस्पिरेंट्स को लेके, डिस्क्रिप्टिव को लेके और इंटरव्यू को लेके जो आपकी बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा नेचुरल टिप्स रही हैं आपके एक्सपीरियंस की वजह से, आई एम श्योर वो हमारे एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके आगे के ब्यूटिफुल करियर के लिए सर। थैंक यू फॉर जी, कमिंग। थैंक यू। थैंक यू।